रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा गोभी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। अब इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होने लगेगा हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और तेज पत्ता। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तो ये हमारा जीरा क्रैकल होने लगेगा, इसमें जाएंगे 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज, 4 लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम कुक करेंगे। फैन से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस स्टेज पर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के हमारा कुटा हुआ अदरक और 1 चम्मच भर के लहसुन और 1 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप की हुई, इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद ही इसमें जाएगा हमारा 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 4 बड़े साइज के टोमेटो की टोमेटो प्यूरे, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक होने देंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर इसमें जाएगा 1/2 कप उबलता हुआ पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट बाद ही इसमें जाएगी फ्रेंड्स 1 किलो गोभी जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और 300 ग्राम मटर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप उबलता हुआ पानी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढककर कुक करेंगे। बीच बीच में फ्रेंड्स इसे हिलाते रहें ताकि सब्जी जो है हमारी तली में ना लग जाए। अच्छे से हिलाने के बाद एक बार फिर से इसको ढककर कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद आइए फ्रेंड्स इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मटर हमारे गल गए हैं, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर इसमें जाएगी कसूरी मेथी, और गरम मसाला, इन्हें भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।